नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ डीसी ऑफिस रांची, जो कि कचहरी के सामने स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी जो रांची जिला के जो काम होते हैं, जितने भी योजनाएं आते हैं, सभी काम यहीं से संचालित किए जाते हैं। दोस्तों ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग है डीसी ऑफिस, जो कि कचहरी के सामने स्थित है। दोस्तों रांची जिला के अंतर्गत 18 ब्लॉक और 2 सब डिवीज़न आते हैं, उनमें जितने भी योजनाएं जो लागू किया जाता है, वो सारी योजनाएं इसी डीसी ऑफिस से संचालित होते हैं। दोस्तों मैं अभी आया हूं आपको दिखाने के लिए। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां क्या क्या कार्यालय स्थित हैं, कैसा कैसा वहां काम होता है। दोस्तों अभी मैं कैंपस के अंदर आ चुका हूं। पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है रांची समाहरणालय। दोस्तों यहां पे बहुत सारे विभाग मौजूद हैं, इसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहां पे क्या क्या कार्यालय स्थित हैं। डीसी ऑफिस भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों मैं आपको जानकारी ले बता दूँ कि जो डीसी होते हैं, वह तीन तरह से अपना कार्यभार संभालते हैं। एक होता है मजिस्ट्रेट के रूप में, एक होता है कलेक्टर के रूप में, और एक होता है उपायुक्त के रूप में। दोस्तों जब वे उपायुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं, तब वे विकास, नागरिक प्रशासन, पंचायत, स्थानीय निकाय आदि जिम्मेदारियां निभाते हैं। दोस्तों जब वे कलेक्टर के रूप में होते हैं, तो जितने भी हम लोग टैक्स जो देते हैं ना, वो सभी टैक्स इस डीसी के ऑफिस में ही जमा होता है, यहीं पर उसका संचालन होता है। दोस्तों जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे कंपनी का टैक्स हो, या हम लोग जो कृषि में टैक्स देते हैं, या फिर जो भी व्यक्ति जो दुकान है उसका टैक्स देता है, सारा राजस्व जो होता है ना राज्य सरकार का, वहाँ यहीं डीसी के ऑफिस में जमा होता है। दोस्तों जो डीसी जो तीसरा रूप निभाते हैं, वो होते हैं मजिस्ट्रेट के रूप में। उसमें यह होता है कि जब वे जैसे चुनाव का भी टाइम आने वाला है, पंचायत चुनाव आने वाला है, इसमें जितना भी जो डीसी होते हैं, वे मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। वे लॉ एंड ऑर्डर का संभालते हैं, पुलिस को संभालते हैं, कानून को संभालते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो डीसी होता है वो जिला का मुखिया होता है। दोस्तों जिसके अंतर्गत सारे अधिकारी, जैसे BDO, CO, जितने भी कर्मचारी हैं, सब अधिकारी उसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों डीसी का चयन UPSC के एग्ज़ाम से होता है। अगर आप डीसी बनना चाहते हैं, तो आपको UPSC का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। अगर आप IAS रैंक के लाएंगे, तभी आप डीसी बन पाएंगे। दोस्तों आप मेरे दाहिने तरफ एक सिविल कोर्ट देख रहे हैं, जो सिविल कोर्ट है, यहाँ पे जितने भी छोटे मुकदमे जो होते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई वाद विवाद हुआ, उसका सॉल्व यहीं पे हो जाता है, उसके लिए हाई कोर्ट जाना नहीं पड़ता है। दोस्तों ये जो डीसी ऑफिस है, उसके ठीक पीछे में स्थित है। दोस्तों डीसी कार्यालय में बहुत सारे वैकेंसी निकलते रहते हैं, समय समय पर निकलते रहते हैं। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं ranchi.nic.in पर, जहाँ पर आपको वैकेंसी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लर्क के वैकेंसी निकलता है, और ऑफिशियल वर्क के बहुत सारे वैकेंसी निकलते रहते हैं।
दोस्तों अभी मैं कल्याण विभाग के ऑफिस में मौजूद हूँ, जो रांची समरणालय के ब्लॉक एक के जो बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर के कमरा नंबर 112 में स्थित है, जहाँ पर जितने भी आवासीय जो विद्यालय होते हैं उनमें जो छात्र चयनित किए जाते हैं उनका यहाँ पे दिया गया है, लिस्ट दिया गया आप देख सकते हैं। और जितने भी जो कल्याण विभाग का ऑफिशियल काम यहाँ पर होता है, अगर आप छात्रवृत्ति भरते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस ऑफिस में आके सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होगा कल्याण विभाग से तो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है आश्रम बालिका आवासीय उच्च विद्यालय और मांझी का है, सभी विद्यालय जितने भी आवासीय हैं उनका दिया गया कि कौन कौन से छात्र चयनित हुए हैं इस साल, इसलिए आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ से फॉर्म अप्लाई से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस यहीं पर होता है रांची समरणालय के इस कमरा नंबर 112 में। दोस्तों अभी जो मेरे पीछे आपको जो कार्यालय दिख रहा है वो है उप विकास आयुक्त का कार्यालय अर्थात DDC का कार्यालय। यहाँ पर मनरेगा रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सभी यहीं से संचालित होते हैं। यह है ग्रामीण विकास विभाग का ऑफिस, यहाँ पे बहुत सारे जो योजनाएं आते हैं जो ग्रामीण इलाकों के लिए हैं उन सबका काम यहीं से संचालित किया जाता है। दोस्तों अभी मेरे आगे जो आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा ये बहुत ही भव्य बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है रांची नगर निगम का बिल्डिंग, जो यहाँ पर रांची नगर निगम जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है पानी, फिर साफ सफाई का जो ध्यान रखता है उसी का यहाँ ऑफिस है। बहुत ही भव्य है, बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों इस चैनल में मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।